रात के आखिरी पहर मस्तिष्क ग्रंथि के स्राव का स्तर सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब आप स्थिर हो सकते हैं, इस पर काफी रिसर्च हुआ है। तो इसे ब्रह्म मुहूर्त या सृष्टिकर्ता का समय कहते हैं। आप खुद को वैसा बना सकते हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं। इंसान के शरीर के भीतर धरती का सूर्य और चंद्र से जो रिश्ता है, उसकी वजह से हमारे इंसानी सिस्टम में कुछ विशेष चीजें होती हैं जिसे हम रात का आखिरी पहर मानते हैं। हम सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात मानते हैं। रात का आखिरी पहर, इस समय सिस्टम में शारीरिक बदलाव होते हैं। उन्होंने पता लगाया कि आपके शरीर में बेकार चीजें जैसे कि मूत्र में भी इस समय उस तरह की विशेषताएं होती हैं जो बाकी समय नहीं होती हैं। आजकल इस पर बड़ा रिसर्च चल रहा है। तो पूरा शरीर एक विशेष अनुकूल माहौल में होता है। मेलाटोनिन हार्मोन प्राकृतिक तौर पर बनता है जिसका स्राव मस्तिष्क ग्रंथि से होता है। तो रात के आखिरी पहर में मस्तिष्क ग्रंथि में सबसे ज्यादा स्राव होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो 3:30 से 6 के बीच या 5:30 या जितने बजे भी सूर्योदय हो, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है क्योंकि आपकी मस्तिष्क ग्रंथि का स्राव सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब आप स्थिर हो सकते हैं। In modern medicine, it is seen as a mood stabilizer. आधुनिक चिकित्सा में इसे मनोदशा को स्थिर करने वाला कहा जाता है। वैसे मैं आप सभी से खुद में सहजता लाने के बारे में बात कर रहा था। खुद में सहजता लाने का मतलब है कि आप में उतार चढ़ाव ना हो, आप सहज हों। एक विशेष समय ये स्वाभाविक रूप से होता है। उस समय लोग उठकर आध्यात्मिक प्रक्रिया करना चाहते हैं ताकि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। तो इसे ब्रह्म मुहूर्त या सृष्टिकर्ता का समय कहते हैं। तो आप सुबह ब्रह्मांड बन जाते हैं ताकि आप खुद को वैसा बना पाएं जैसा आप बनना चाहते हैं।